हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोभी मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन को हम पकने देंगे। लहसुन ब्राउन होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 2 कटे हुए प्याज, 2 प्याज को भूनने देंगे, ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और हरी मिर्च, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गोभी मटर आलू की सब्जी। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पर ढक्कन देके पकाएंगे। देखिए, अब हमारी सब्जी बन गई है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको चपाती के साथ या परोठे के साथ खाइए, बड़ी बढ़िया सब्जी बनेगी। आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको यह सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।